तो गैस आ चुके हैं एक और नई आज की प्ले वीडियो में और आज के प्ले वीडियो में गैस मुझे दो दो फ्लेरगन देखने को मिल जाती है भाई देखना कि उस फ्लेरगन को चलाते ही क्या क्या सरप्राइज देखने को मिलता है उतरते गए मुझे यहाँ पे एक थॉमसन देखने को मिल जाती है मेरी किस्मत तो काफी अच्छी थी कि मैं काफी पहले उतर जाता बट इस बंदे की किस्मत काफी बेकार थी मैं यहाँ पे गन लूट लेता हूँ उसके बाद ये बंदा टपकता है आसमान से मैं से पचा देता हूं लॉबी फिर क्या था फ्लेयर गन चला देता हूं फिर बंदों की तलाश में आगे चढ़े जाता हूं तो बस देखना यह था कि भाई फ्लेयर गन लूटते लूटते कोई एनिमी ना आ जाए एनिमी से पहले तो टीममेट ही लूट लेंगे टीममेट को देखना पड़ेगा गाइस उससे पहले एक बंदा मुझे सामने की तरफ देखता है नॉक अब जैसे जैसे नॉक करता हूं, उसका टीममेट भी आस पास ही होता है अब जब मैं बात कर ही रहता फ्लेयर गन की तो जैसे इन दोनों टीममेटों को मैं मारता हूं जैसे इनके पेटी लूटता हूं इनकी पेटी से मुझे देखने को क्या मिलता है फ्लेयर गन अब यहाँ पे दो दो फ्लेयर ड्रॉप के लिए मैं ड्रॉप मंगाने लगता हूँ और भाई इन दोनों ड्रॉप से बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए वो है ग्रोजा अगर ऑम नहीं भी आएगी तो काम चल जाएगा बट ग्रोजा मिलनी चाहिए गाइस ग्रोजेज में काफ़ी ओपी गन होती है तो मैं तो पता ही है अब मैं टीम को पूरा इग्नोर करता हूँ और दूसरी फ्लेयर गन भी चला लेता हूँ अब पॉस तो अपने पहली फ्लेयर गन के पास जहाँ पर ड्रॉप आने वाला था और जैसे ड्रॉप खोल के देखता हूँ गाइज मैं सरप्राइज हो जाता हूँ यहाँ पर ग्रोजा तो आती ही नहीं है पर एम लाइट मशीन गन और ऑम उठा लेता हूँ मैंने बोला जो मिल रहा है उसी से काम चलाना पड़ेगा अब भाई दूसरा फ्लेयर ड्रॉप आ जाता है लकल्ली गाइस टीम मेट आस पास बिल्कुल होती नहीं है वरना ये ड्रॉप भी चुड़ जाता है और जैसे गाइस साला दोनों फ्लेयर मैंने ही मारी दोनों एक ही जगह मारी और दोनों में साला एक ही जैसी चीज़ आ रही है कुछ तो लगा जाता है भाई यहाँ पर देख रहे हो इतनी सारी एम हो गई है भाई तो गाइस मैं ऐसा बंदा हो जो कॉम बहुत ही कम चलाता है और वैसे बंदे के पास एम हो देख रहे हो चालीस से ऊपर सोचो अगर कोई बंदा ओम चला तो अगर उसे चालीस एहओ मिल जाए तो कितना खुश होगा पर यहाँ पे मैं खुश बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ओम अपने समझ से बाहर है पर तब भी तुम्हारा भाई ओम पूरी कोशिश करेगा इस मैच में चलाए और देखने कि ओम की कितनी एहो में चला पाता हूँ इस मैच में तो इस बंदे को मैं यहाँ पे नॉक फिनिश कर देता हूँ और इसी बंदे ने सामने एक बंदे को नॉक कराता है वो कवर में चले जाता है घर के अंदर और मैं जैसे किल फिनिश करने जाता हूँ भाई इतने सारे एहो और फायर पड़ता है गाइस से वहाँ तो मैं भागने की कोशिश करता हूँ भाग बिल्कुल नहीं पाता हूं पर जैसे तैसे कवर फायर देख के यहां से निकलता हूँ क्योंकि इसके टीममेट पूरे बौखलाए हुए थे क्योंकि इसका एक टीममेट नॉक पड़ा हुआ था तो यहां पे मैं अपने टीम को भुला लेता क्योंकि अकेले मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं थी इन बंदों पर रस करने की क्योंकि इन बंदों ने ऐसे ऐसी जगह कैंप करा था गाय समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था बंदे कहा दो बंदे नीचे एक बंदा ऊपर ही होता है अब जितने तेज़ी में कैम करा था उससे तेज़ी में इस बंदे को मैं लॉबी पहुँचा देता हूँ और उसके दो बंदे मेरे पीछे पड़े होते हैं तो मॉली मार देता हूँ और जैसे मॉली मारता हूँ उसी मॉली में टीम नॉक हो जाता है क्योंकि टीम को ऑलरेडी बंदे नॉक कर देते हैं और मेरी मॉली से मेरे पाँव में पोसते ही टीम की पेटी से निकल जाता धुआं अगर यहां पे से मैं भागता नहीं तो उस बंदे का भाई नेट मेरे ऊपर ही पड़ता लिटरली समझ रही देखो जो नेट वहां पे फटा अगर थोड़ी देर के लिए मैं वहां पे होता तो उस नेट के साथ मैं ही फट जाता और जिनका क्लच मैंने करा था वो मेरे पे हंसते गए अब भर रही थी अपने टीम की पेटी लूटने की क्योंकि मैंने अपने टीम को एमो दिया हुआ था वो भी ओम का अब देखो गए ओम की एमओ कितनी हो जाती है मेरे पास और जैसे मैं यहां से निकल रहा था एक बंदा पीछे से फायर कर देता तो मैं समझ जाता हूँ एक स्कॉट अभी भी बची है तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं लंबा फ्लैग मार के जाऊँ क्योंकि ये बंदे ऑलरेडी घात लगा के बैठे होंगे मुझे मारने के लिए एक बंदा तो बोट मारने के चक्कर में खुले में खड़े होकर फायर देता उसे मैं नॉक कर देता हूं

अब मैं यहाँ पे आता तो हूँ ब्रिज कैंप करने क्योंकि लिटरली पूरा जोन मैंने घूम लिया था बंदे मेरे को मिल ही नहीं थे जब मैं इधर आता हूँ तो इधर काफी देर से फायर चल रही होती है तो मैंने बोला अब तो भाई ब्रिज कैंप होगा वो भी वैक्टर आई वाला तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि कितने बंदे कितने बंदे आने की गुंजाइश है तो यहाँ पे एक गाड़ी दिख जाती है और मैं काफी देर तक यहाँ पे इसी गाड़ी के डब्बे में बैठे रहता हूँ और जैसे ही गाड़ी आती है और लास्ट बंदे को जैसे मारने की कोशिश करता हूँ चलती गाड़ी से कूद के पीछे चले जाता है बट उसका पाँव दिख रहा होता है गाड़ी के नीचे से तो लेटेल ले उस बंदे को आइडिया भी नहीं था कि मैं उसे नीचे से फेल लेता और इसी के साथ स्कॉट भी गलच हो जाती है इस स्कॉट ने पूरी कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग व्हीकल लेके आके ब्रिज तो ब्रिज कैम तोड़ सके बट तोड़ा तो सही ब्रिज कैम नहीं मैंने इन बंदों की पेटी अब बारी थी जोन के अंदर जाने की और मैं अभी भी पीछे मुड़ के बार बार देख रहा था क्या पता कोई एक स्कॉट और आ जाती बट ऐसा कुछ होता नहीं है तो भाई मुझे अभी भी बंदे मिल नहीं रहे थे तो मैं यहाँ से वहाँ गाड़ी उड़ाने में था और जैसे यहाँ से गाड़ी उठाता हूं मेरे साथ क्या स्कैम होता है गैस ऑम देखो मैंने कितने बार चलाई मैच में बस दो बार मैंने ओम चलाई और सामने एक बंदा इतना तकड़ा स्प्रे देता है अब इस साले पूरे के पूरे चार के चार बंदे इधर ही कैम कर रहे हैं सालों ने उसे पहले फायर बिल्कुल दिया नहीं और जैसे मैं उड़ाई गाड़ी वैसे चारों तरफ से फायर आके इन सालों ने मुझे उड़ा दिया लॉबी को तो आज के बोले बस इतना ही मिलते